हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे बाग में इस समय डबल पेटल गुड़हल बिल्कुल टूली लाल कलर के फ्लावर्स हैं इस पूरे पेड़ में, और ये कितने अधिक खिले हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखने में। और मेरा पेड़ जो है ये डबल पेटल के इन गुड़हल फ्लावर्स से जो है वो भरा हुआ है। आजकल के मौसम में जो है वो गुड़हल के फूल बहुत अच्छे जो है ब्लूम कर रहे हैं ऊपर टेरेस पे। मेरे देसी गुड़हल के जो हैं वो फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो मैंने अपने चैनल पे गुड़हल के फ्लावर्स से रिलेटेड, उनकी केयर से रिलेटेड 2-3 वीडियोस पहले भी डाले हैं, और आज भी मैं इनकी केयर के बारे में आपको पूरे टिप्स दूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे शुरू से आखिर तक बने रहिएगा कि इसकी केयर हमें कैसे करनी है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, गुड़हल के बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि इन्हें पेस्ट और चींटियों के अटैक से बचाना पड़ता है। मेरे इस गुड़हल के पेड़ में बहुत अधिक चींटियाँ और पेस्ट लग गए थे, पर मैंने जो है इसमें दवा का छिड़काव मैं महीने में एक बार करती हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि इस पे जो है वो मिली बग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, और बिल्कुल इसकी डालियों पर सफ़ेद सफ़ेद मिली बग से डालियाँ जो है इसकी भर जाती हैं। तो मिली बग को हटाने के लिए मैं कभी तो देखिए नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। मैंने बताया 1 चम्मच नीम ऑयल 1 लीटर पानी की स्प्रे बॉटल में डाल के उससे स्प्रे करिए, और जब ज़्यादा, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो जो बहुत डालियों में अगर लगी हुई हैं, जैसे मान लीजिए इस डाली में ये ऊपर से नीचे तक यहाँ पर मिली बग भरी हुई हैं, तो आप उनको जो है ऊपर से टिप से हटा भी सकते हैं 2-4-6 डालियाँ, और बाकी सब तो नहीं हटा सकते। तो उसमें आप जो हैं वो मैं आपको ये ट्रीटमेंट की दवा दिखाती हूँ कि ये आप ये कमांडो है इसका जो है वो छिड़काव कर सकते हैं। 1/2 चम्मच इसको 1 लीटर पानी में डालिए, और गुड़हल की डालियों पे जहाँ कीड़ा लगा हुआ है वहाँ महीने में एक बार छिड़क दीजिए। चींटियाँ भी चली जाएंगी, आपकी मिली बग भी गिर जाएंगे, और इसकी जड़ों में जो है वो फ्रेंड्स आप साफ जो आता है आपका फंजीसाइड वो डालिए, ताकि गुड़हल की जड़ों में फंगस ना लगे, और उसके बाद पानी दे दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल गुड़हल फ्लावर दे रहा है, इसको फ्लावर देने के लिए आप फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करें। सबसे पहली जो केयर मैंने बताई वो ये है कि सबसे जो इसके ऊपर मुश्किल आती है वो पेस्ट की आती है। तो पेस्ट का मैंने आपको कंट्रोल बताया, महीने में एक बार आपको इस तरीके से पेस्ट कंट्रोल करना है, और जब ये पेड़ साफ़ हो जाए तो आपको इसमें जो है वो महीने में एक बार फर्टिलाइज़र भी डालना है। अब फर्टिलाइज़र आप इसमें कौन सा डालेंगे, तो अगर आपने पॉट में लगाया है तो इसका वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स बनाइए। सैंड, सॉइल और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर बना के आप इस हिबिस्कस के फ्लावर्स को, प्लांट को लगा दीजिए, और उसमें महीने में एक बार बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र या बनाना के जो पील्स होते हैं उन्हें आप सुखा लीजिए। मैंने बताया ग्राइंड करिए, मैं अपने बहुत वीडियोस में ये चीज़ बता चुकी हूँ, उनको ग्राइंड करिए और एक हल्का सा उसमें गुड़ाई करके प्लांट में आप उसकी जड़ में वो सूखे हुए पील्स 3-4 केलों के पील्स उसमें डाल दीजिए। उसमें क्या होता है, उसमें हैवी पोटेशियम होता है, इनको इसको बढ़ने में भी मदद करता है और फ्लावर्स भी लाने में मदद करता है। इसके साथ ही आपको अपना, अगर गुड़हल का प्लांट आपका छोटा है और आपको उसे ग्रो करना है, तो देखिए आपकी जो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आप इसमें पुरानी काओ डंग कंपोस्ट को डालिए। अब जैसे ठंडक की ओर जा रहा है मौसम, गर्मी है तो भिगो के डालिए, उसका एक दिन भिगो दीजिए, पुरानी ही हो और उसको डालिए। उससे क्या होगा, इसमें ग्रीनरी बढ़ेगी, इसको जो है नाइट्रोजन मिलेगा और ग्रीनरी बढ़ेगी। फिर फ्लावर्स लाने के लिए हमें फॉस्फोरस और आपका पोटेशियम चाहिए, तो उसके लिए मैंने बताया आपको बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र या जो बाज़ार में पोटेशियम
मिलता है उसके दाने इसमें डालिए, थोड़े से DAP के दाने डालिए और खूब फ्लावर्स आएंगे। महीने में एक बार मैं अपने इस प्लांट में आपका जो है वो मैन्योर का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये पौधा मेरा ज़मीन में लगा हुआ है और ज़मीन से ये देखिए मैंने छोटा सा ही लगाया था, इतना बड़ा फ्रेंड्स हो गया है और आज इसकी डिमांड है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपके ये प्यारे इतने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल लगता है जैसे गुलाब के फूल लगे हुए हैं, आप इसकी कटिंग हमें भी दे दीजिए। तो इसकी डिमांड भी बहुत आई है फ्रेंड्स, जब मैं कटिंग करूँगी तो मेरे जिन फ्रेंड्स ने मांगा है मैं सबको इसकी कटिंग दूंगी लगाने के लिए। कटिंग भी लगाना इसकी बहुत आसान होती है। तो ये चीज़ जो है, ये दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसकी जड़ में ना कुछ हो, इस पर पेस्ट ना लगे और इसमें फर्टिलाइज़र पड़ता रहे। दिन में एक बार आप इसमें पानी देंगे, सूखा पेड़ नहीं रहना चाहिए। और एक चीज़ बताऊं कि अगर इसकी पत्तियां येलो हो रही हैं तो इट मींस इसमें नाइट्रोजन की कमी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसमें जो है वो काओ डंग कंपोस्ट से इसको नाइट्रोजन मिलता है, आप उसको वो डालें तो इसकी पत्तियां देखिए जैसे मेरे पेड़ की हरी हैं ऐसे ही आपकी हो जाएंगी। कर्ली लीफ की जो समस्या है वो भी आप अगर इस पर पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे तो कर्ली लीफ की प्रॉब्लम भी चली जाएगी। तो आप अपने घर में गुड़हल का पेड़ लगाइए, हो सके तो ज़मीन में लगाइए, नहीं तो पॉट में लगाइए। गुड़हल के फूल गुड़हल के हैं लेकिन ऐसे लग रहे हैं देखने में जैसे कि रोज़ फ्लावर होता है, ऐसे ये फूल जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, तो अपने घर में गुड़हल लगाएँ और अपने बाग को सुंदर बनाएं। ये टिप्स अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।